नव मतदाता कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। अभी किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया, आप देखना बहुत सारे हाथ खड़े। न्यू वोटर्स, या मैं बोलूं फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये क्या होता है जी? ये कौन बताएगा? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? हाँ जी, जेड़ा जिन्हें पहली बारी वोट पाना वो फर्स्ट टाइम वोटर, बिल्कुल सही है। एक मैं आवाज़ हाँ तो नहीं, एक गला उन्हें कुछ किया, जनाब कुछ जा रहे असि गलाया नव मतदाता, उन्हें आख्या के नौ मतदाता, हिंदी का शब्द है ना नव, न्यू, जेड़े फर्स्ट टाइम वोटर, न्यू वोटर्स। और पूरे देश च, पूरे देश में 2024 में जो पहली बार वोट करेंगे इनकी संख्या कितनी है? 8 करोड़। कितने न्यू वोटर्स हैं? 8 करोड़। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी का सीधा आपके साथ बात करना, इसका क्या मतलब है? उन्होंने जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, गाइड करता है, ऐसे देश के लिए काम करना, ऐसे देश चलाना, वो काम परिवार के बड़े सदस्य का काम वो मोदी जी ने किया है। हमारे मोदी जी ने बहुत से काम किए अच्छे, जैसे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाए हैं काफी इंडिया में, और उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी हमें प्रोवाइड किए, हमने डिजिटल इंडिया, डिजिटल सोलर लाइट, उसके बाद उन्होंने हमें कई से जो पॉलिसीज वगैरह फार्मर्स को प्रोवाइड की हुई है। कहना चाहेंगे आज जिस तरह से नेशनल वोटर डे मनाया जा रहा है, और इस बीच जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे जो नवमतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। देखिए, नेशनल वोटर्स डे पे देश भर के नव मतदाताओं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के माध्यम से, हमारे युवा मोर्चा के कार्यक्रमों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1-to-1 इंटरेक्ट हुए हैं। और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन अवसर युवाओं को प्रधानमंत्री जी के साथ रूबरू होने का नहीं मिल सकता था। हालांकि मन की बात के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने के आखिरी रविवार देश की जनता से रूबरू होते हैं, लेकिन आज भी आपने देखा कि उन्होंने युवाओं को आग्रह किया है कि आप खुल के आगे आइए, आप देश का भविष्य हो, आप देश के आगे चलने वाली डगर पे चलने वाले हो, आप अपना भी सुझाव हमें दें कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐसा डाले ताकि बच्चों का भी सुझाव जाए और उसको हम इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सराहनीय कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। और यकीनी तौर पर आपने देखा है कि युवाओं के अंदर एक उत्साह है, आज बच्चे जब प्रश्नोत्तरी का जवाब दे रहे हैं तो बच्चे इस बात से पूरी तरह से प्रभावित है कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश को मजबूत ताकत बनाने के लिए जो प्रयास किया है, जो कर रहे हैं, वो सराहनीय है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि वो हर ऐसे बेहतरीन समय पे देश के हर जनमानस को देश की सरकार के साथ, स्वयं प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने का जो मौका देते हैं, ऐसा स्वर्णिम मौका जीवन में बहुत कम मिलता है।